हेलो दोस्तों, नवाब इशाक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। जी हाँ, मैं आप लोग को मिलवाने वाला हूँ आज हसीन लल्ला जी से। जी हाँ, हसीन लल्ला जो कि ओरिजिनल 2021 के फैज़ाबाद टूर्नामेंट ऑल इंडिया टूर्नामेंट के चैम्पियन थे, जिनकी डोर फर्स्ट आई थी। जी हाँ, हसीन लल्ला जी जिन्होंने ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीता, ताबिश और आलोक ने जो जीता था यह टूर्नामेंट, ये जो मंजे जो फाइनल में यूज़ हुआ था इसका नाम था हसीन लल्ला का AMR नंबर वन। और दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप लोग को दिखाने बाकी हैं। आप लोग थोड़ा सा चीज़ें समझिएगा, मैं जो ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ये मैं आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता चल पाए कि असली मंजे कैसे होते हैं, ठीक है, असली काइट फाइटिंग कैसी होती है और मंजों की जानकारी उसमें क्या, कितने दिन रखा जा सकता है, कैसे आप मंजा बनवाओगे तो ज़्यादा दिन रखा जा सकता है, कौन सा मंजा ऐसा होता है जो 1.5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, मैं इसीलिए सीधे मंजा मेकर्स के पास आया हूँ ताकि वो लोग बताएंगे आपको कैसे ये मंजे बनते हैं और कौन कौन से मंजे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। चलिए, हमारे शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियोस बहुत सारे हैं, वन बाय वन सब आते जाएंगे। आप लोग प्लीज़ देखिए और समझिए, मंजों की असलियत के बारे में समझिए। बाय। ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट फैजाबाद बेस्ट मंजा 2021 में हुआ था, ये सबको पता, ठीक। और ये जीता था स्पीड काइट पर, बेस्ट मंजा का अवार्ड इनको मिला। और ये है हसीन लल्ला जी के पास, ये मैन ऑफ द मैच था। हाँ, बस एक मिनट, थोड़ा सा चलिए ठीक है। तो दोस्तों, ये है हसीन लल्ला जी। हसीन लल्ला जी ये है, आपका नाम बता दीजिए। गोविंद नाम है, छोटा भाई। लल्ला भाई, आप बता दीजिए नाम। लल्ला भाई, आप लोग ने 2021 का फैजा टूर्नामेंट जीता है, बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, 101%। तो आप अपना प्राइस भी जरा दिखा दीजिए लोगों को। का भी है, बस ठीक है, रख दीजिए। अच्छा हसीन लल्ला जी, आप कितने साल से बना रहे मंजा? करीब 25-26 साल। कितने ब्लॉग आते होंगे आपके लगभग मार्केट में? 3 ब्लॉग हमारे पास के स्टार्टिंग से एंड कितने तक होगा? ऐसा ही करीब 2500 से लेके 1400 तक। अच्छा हसीन लल्ला जी, कुछ ऐसी डोरे भी बनती थी क्या पहले जो थोड़े दिन रख के लगाई जाती थी तो और अच्छी लगती? तो क्या मतलब, कहने का मतलब था कि पहले ऐसी कुछ डोरे बनती थी क्या जो रख के लड़ती थी और अच्छी लड़ती थी? कितने साल तक रखी जा सकती थी वो डोरे? 10 साल 15 साल। 10 साल 15 साल तक, मतलब धागा वगैरह नहीं बनती थी बिल्कुल भी। और आज की जो डोरे बन रही है वो क्या है? थोड़ा टेक्निक बदल गई है, थोड़ा मसाले वसाले का, थोड़ा पहले केमिकल, मतलब पहले जो पेच होते हैं उसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, असली मंजे की पहचान जो होती है
वो लंबे पेज में मतलब फंसा के होती है कि खींच के फंसा के होती है दूर में खींच के तो कोई भी मतलब ताकत से अपने ताकत के जी 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 जी। अच्छा और कौन कौन से टूर्नामेंट आपने जीते थे बता रहे थे हम ये जीता था साहब ये जी भाई रॉयल फंड होता 4-5 साल में एक बार होता है जी 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 वो जीता था जी बताइए और ये भाई को नॉर्मल हुआ था जीता था जी जी और ये लखनऊ में हुआ था जी सर 2 साल पहले जी जी जीता था है अभी फिर उसके बाद में ये रहा ये फैजाबाद का भी किसका और भी जीते मतलब ये नहीं हमने लोगों से कहाँ जाएं। अच्छा फैजाबाद टूर्नामेंट में आपको ये ट्रॉफी मिली थी और आगा उस्ताद ने आपको कौन सी ट्रॉफी दी थी ये आगा उस्ताद ने दी थी साहब। अच्छा आगा उस्ताद ने दी थी आपको बेस्ट बन जाएगा है जी जी ये लिखाना आप जी जी जी। अच्छा हसीन लल्ला जी आपका जो मंजर है ये कहाँ कहाँ जाता है लगभग इंडिया में तो जाता ही मतलब फॉरेन कंट्री में भी जाता है। अच्छा फॉरेन में भी जा चुका है आपको मंजर अमेरिका भी जी 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 सऊदी अरब है जी जी बहुत सी जगह। अच्छा जो वो है हसीन लल्ला जी तो उसमें हसीन आप हैं और लल्ला जी आप हैं जी 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 आप दोनों भाई हैं दोस्त है। अच्छा दोस्ती इतनी खतरनाक की मतलब मंजर में भी आ गई और हाँ दिल में भी छा गए दुनिया में भी छा गए भाई आपका जब ये टूर्नामेंट में फिलहाल टूर्नामेंट में ज्यादा नाम तो नहीं उठा आपका लेकिन ये है कि हाँ हसीन लल्ला जी ने टूर्नामेंट जीता है फाइनली ये तो सबको ही पता है अंदर अंदर पता ही है बस ऊपर नहीं पता था किसी को। चलिए आज के बाद पता भी चल जाएगा सबको कि ऐसा भी कुछ हुआ था जो दिखाया नहीं गया किसी को। लल्ला जी कुछ बताइए अपने बारे में आप कब से कर रहे हैं मंजे का काम। अच्छा आप लोग ने शुरुआत दोनों एक ही साथ करी थी कि बाद में अलग था फिर साथ में जुड़ गए। अच्छा दोनों साथ में जुड़ गए। अच्छा आप बताइए आपका भी ऐसा कुछ सोचना है कि पहले ऐसी डोरे आती थी या बनाई जाती थी देसी तरीकों से जो 5-10 साल 15 साल 20 साल चल जाती थी। चलती थी पहले देखी पतंगबाजी अलग तरीके की थी आज अलग तरीके थोड़ा सा बताइए कैसे थी। पहले मोड़ी शादी नहीं होती थी। अच्छा पहले मोड़ी शादी नहीं होती थी बारी की शादी से पहले लड़ते थे आज तो रस्ते बांधे हुए पीछे फंसाने के पेज दूर के ज्यादा लड़ते थे। अच्छा 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 बारी के डोरे बनती थी। अच्छा आप लोग ने कभी शौक किया है मैदान में। अच्छा जैसे आप लोग शौक किए होंगे मैदान में तो क्या वहाँ पे गाली गलौज इस तरह का कुछ माहौल रहता था। कुछ नहीं होता था जैसे कि आज है इस तरीके आज हो रहा है। पहले इज्जत आइए आप तरह से आइए आप ऊपर से आइए आप जनाब से बात होती थी पहले अब तो अबे आ गए हो यहाँ तो ये हो रहा एक दूसरे को सम्मान देना भी पतंगबाजी का क्या मतलब आप दूर से आए आप मिल लिए दोस्ताना मिजाज हो गया थोड़ी भी लड़ते थोड़ी आए ताल्लुकात बनता है मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे के साथ तो कट नहीं बर्दाश्त है ना किसी को अब तो कट किसी बर्दाश्त ही नहीं वो लड़ने चालू हो जा रहा है कि तेरी पतंग खराब है कि तुम अंदर की उड़ाई है तुम बाहर की उड़ाई है ये हो रहा है आजकल प्यार मोहब्बत है ही क्या पतंगबाजी में तो नफरत है। जी वही चीज मैं पूछना चाह रहा था कि पहले मैदान में तो ये सब होता नहीं था हमें ख्याल से आज आप लोग जाना भी नहीं चाहोगे क्योंकि माहौल इतना ऐसा हो गया कि जैसे हमने सुना पुराने लोग जो पतंगबाजी करते थे वो कह रहे अब ग्राउंड जाना ही नहीं पसंद करते। 200 गज का पेड़ ले तो 200 गज का मांझे लोग पतंग की बदनामी करेंगे लड़ा के 200 गज पे और कहा 1000 गज पे 800 गज का फर्क है तो क्या पेड़ समझ में आएगा वहाँ पे। जी 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 तो सच्चाई बोल दिया जी 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 आइए मैं आप भेज दिएगा मैं इसी वीडियो में सेट कर दूंगा। ये देखो बाकी आप ये बताइए आप इतनी मेहनत से डोर बनाते हैं अपनी और जो चाइना ने आज 5% मार्केट संभाली है चाइना तो बड़े खतरनाक चीज है ये तो अभी तो आपके पास कोई और काम है इसके अलावा ना, तो चाइनीज मंजा अगर हावी हो गया तो क्या होगा आप लोग का वो हावी नहीं हो सकता जब होता तो कोई ना कोई किसी ना किसी को मार देता है वो तो। हाँ ये भी बात सही है तो मार देने के लिए जी जी। अच्छा आप जैसे आप अपने मंजे में आप इस समय खुद भी काम करते हैं जी या सिर्फ लोग से करवा करते हैं खुद भी करते हैं देखिए आज भी ये काम करते हैं। अच्छा आप भी तो सिखाई कर रहे थे मिले थे हम वहीं पे याद है। अच्छा दोस्तों ये है उनका हाथ
आप लोग जो खेल खेल रहे हैं चाइनीज वाला, इनके साथ कितनी बेमानी हो रही है आप ही नहीं समझ। खाना नहीं खा सकते हाथ से? चम्मच से खाना पड़ेगा। चम्मच से?